this effect is very easy to make. This effect is now on trending, and you using this effect, I think you get views. So in this video, I am going to tell you how to make these effects in just some minutes. अब आप में से कुछ लोगों ने सोच लिया होगा कि ये कंप्यूटर पे बताने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं. मैं तुम्हें मोबाइल पर ही सिखाने वाला हूँ हाउ टू मेक दिस इफेक्ट इन पिक्सल लैब. देखो इसमें ना मैं थोड़ा सा PNG वगैरह भी यूज करने वाला हूँ, सो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका एक पिक्सल लैब चाहिए, दूसरा ये वाला आपको एक PNG चाहिए. आइए देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा इन योर पिक्सल लैब एप्लीकेशन. नाउ यू आर वॉचिंग हेयर. यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें अपना थंबनेल का साइज सेलेक्ट करना होगा. लाइक कुछ इस प्रकार से आप अपना थंबनेल का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है. उसके बाद यहाँ पे तुम्हें कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना होगा. यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम अपना एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं. इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपका फोटो है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा. लाइक मनोज डे का हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करने वाले हैं. इसको हम कर लेंगे बड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से. आप अपने हिसाब से इसे बड़ा करें. उसके बाद मेन पॉइंट यहीं पे आता है, आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ये वाला PNG डाउनलोड करना होगा. तो इसको आपको छोटा करना होगा, बिल्कुल जो यहाँ से आँख सी लग रही है ना यहाँ तक रखना है. इसके बाद इसे डन कर देना है. नाउ अगर आप यहाँ पे ले जाएंगे तो आप लोग कुछ इस प्रकार से ये वाला इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे. यहाँ पे आपको इसे अगर हम एक यहाँ पे इरेज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी बन जाएगा, जो कि देखने में बहुत कूल लगता है. बट अभी मुझे ऐसा ये सब कुछ नहीं करना, इसको ऑफ करते हैं. एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड स्क्रोल करना है, एक कॉपी वाले बटन पे दबा के यहाँ पे इसको कर देना है. अब देखो इसमें ना जो तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से इसे आपको इरेज करना होगा. ये सारा कुछ मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे होगा. अभी के लिए आपको इसे सेव करना होगा. लाइक आपने देखा कि यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेव एस इमेज पे क्लिक करना है. यहाँ से आपको अल्ट्रा मोड सेलेक्ट कर लेना है, लाइक दिस. नाउ यू आर क्लिक ऑन सेव टू गैलरी. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो योर इमेज इज नाउ सेव. इसके बाद आपको करना क्या है, आपको वो इमेज सेलेक्ट करना है. सो के फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया है वो. सो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे कर लेना है थोड़ा सा बड़ा, कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस. एंड इसके बाद आपको इस पर क्लिक करे रखना है. यहाँ पे आपको इरेज वाले बटन पे क्लिक करके इसे जूम इन करना है. जूम इन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसे इरेज करना होगा, देख सकते हैं आप लोग. अब आप बोलेंगे कि ये तो फिर वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है. अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ. सो दैट्स इट, फाइनली मैंने कर दिया है. इसको आपको कुछ इस प्रकार से डन कर देना है. वेल यहाँ से ना ये सीधा यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाना होगा. तो आपका ये हो सकता है तो वो चेंज हो जाएगा. आपको अपने हिसाब से इसे अपने अकॉर्डिंग करना होगा. लाइक कुछ इस प्रकार से हमने कर दिया है. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एस इमेज पे क्लिक करेंगे. यहाँ से आप लोग अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे. इसके बाद सेव टू गैलरी कर लेंगे. इसके बाद आपका जो कि PNG बन चुका है. यहाँ पे आपका एक PNG बनाना है तो सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो इस PNG है ये बन जाएगा. एंड अभी हम लोग इसे बैक करते हैं. सो अभी हमारा सेव हो चुका है. तो इसे आपको कोई दूसरे ऐप में इरेज करना होगा. लाइक यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इरेजर यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे आपको लोड ए फोटो पे क्लिक कर देना है. जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है. एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, ऑटो सेल्फी पे क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर सकते हो. सो अपने हिसाब से. बाकी अभी हम यहाँ से डन कर देते हैं. सो आपका बन चुका है एक PNG. सो कुछ इस प्रकार से तुम लोग ऐसा कर सकते हो. और अगर तुम्हें अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो भाई.